गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड से। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है वो ऑलमोस्ट हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स थे उसको मैंने आपको बता दिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। तो हम चैप्टर सेकंड जो है उसका नाम है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो एक शब्द आ रहा है शुद्ध पदार्थ उसके बारे में बताऊंगी। अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हमारी नज़रों में शुद्ध पदार्थ क्या है, हम बाहर से कहीं से दूध लेके आ रहे हैं अगर उसमें पानी नहीं मिला हुआ तो हमारे लिए वो शुद्ध है। घी है उसमें अगर कोई मिलावट नहीं है, या फिर खाने की जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, दाल लेके आ रहे हैं उसमें कंकड़ नहीं है, तो कोई भी चीज़ है उसमें अगर किसी तरह की मिलावट नहीं है तो हमारे लिए वो पदार्थ क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें, वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, हम जिसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं वो शुद्ध नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप शुद्ध पदार्थ की परिभाषा जो होती है, अगर कोई भी पदार्थ उसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हों और उन सभी कणों की जो रासायनिक प्रकृति है वो समान हो तो उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक ही प्रकार के कण होने चाहिए और उन सभी कणों की जो प्रकृति है, रासायनिक प्रकृति, वो कैसी होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं रासायनिक जो गुण होने चाहिए उसके सभी कणों के समान होने चाहिए, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। अगर उसमें अन्य दूसरे पदार्थ हैं या कई तरह के अन्य कण हैं जिनमें रासायनिक गुण अलग अलग हैं तो उसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहते। अगर हम जल की बात करें, अशुद्ध जल की बात करते हैं, तो उसमें H2O यानी जल, ये एक जल का अणु है और जितने भी जल के अणु हैं वो सारे समान होते हैं और उनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उन सभी कणों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ विज्ञान के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात के अंदर मिला दिए जाए। अनिश्चित का मतलब मिश्रण के अंदर कोई भी पदार्थ अगर हम मिला रहे हैं तो उसकी मात्रा निश्चित होना या उसका अनुपात का निश्चित होना जरूरी नहीं होता। अनिश्चित अनुपात के अंदर जब पदार्थ यौगिक आपस में मिले हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण के अंदर एक या एक से ज़्यादा शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। अगर हम बात करें मिश्रण के प्रकारों की तो मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब भी किसी मिश्रण के अंदर जो भी घटक हम मिला रहे हैं और वो घटक आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं, यानी पूरा जो मिश्रण है उसमें जितने भी घटक हैं वो सभी भागों में समान मात्रा में हों और वो घटक हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जल है, जल के अंदर हमने कुछ चीनी मिलाई तो ये हो गया जल का और चीनी का मिश्रण। ठीक है, तो जल और चीनी हमने मिला दी, अब उसको अच्छे से मिक्स होने के बाद क्या हमें उस पानी में चीनी दिखाई देती है, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। यानी हमें दोनों जो घटक हैं, जल है और चीनी है, दोनों आपस में दिखाई नहीं दे रहे। उसके अलावा अगर हम उस जल को कहीं से भी टेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही मीठा होता है, हर जगह से समान। यानी जल और चीनी की जो मात्रा है हर जगह समान होती है और दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं जिसमें घटक हर जगह पर समान मात्रा में होते हैं और उन्हें अलग अलग हम जो है विभेदित नहीं कर सकते या अलग अलग हम उन्हें नहीं देख सकते, वो होता है समांगी मिश्रण। और इसका एग्जांपल आप बता सकते हो, जल का चीनी का मिश्रण हो गया, या फिर हम बात करते हैं जल का, उसमें अगर हम नमक मिला देते हैं तो नमक भी सभी भागों में समान मात्रा में घुल जाता है और जो है नमक जल के अंदर अलग दिखाई नहीं देता है। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा आप इस तरह से बता सकते हो, ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं तथा जिसके घटक उस मिश्रण के सभी भागों में समान मात्रा में वितरित होते हैं, वो होता है समांगी मिश्रण। अगला हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जो समांगी मिश्रण हमने पढ़ा है इसके एकदम अपोजिट होता है विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है कि कोई भी मिश्रण
जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा घटक हैं, उन घटकों को हम अलग अलग देख सकते हैं और उन घटकों की मात्रा सभी जगहों पे समान नहीं होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें जल और तेल, अगर हम पानी को और तेल को आपस में मिला दें तो जो है तेल जो है वो जल से हल्का होने के कारण वो इसके ऊपरी सतह पे तैरता रहेगा और जो जल है वो इसके नीचे सतह पे रहेगा। दोनों घटक हैं, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, जो तेल है और जल है दोनों की परत को हम अलग अलग देख सकते हैं, दोनों की मात्रा सभी जगह पे समान नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, पिशमांगी मिश्रण हो गया। इसके अलावा अगर हम क्या करें, जो पानी है पानी के अंदर कुछ मिट्टी डाल दें और उसको अच्छे से उसमें मिक्स करें, कुछ टाइम के बाद हम उसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद जब हम उसको देखते हैं तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी के भारी कण होते हैं वो तो तल में बैठ जाते हैं, कुछ हल्के कण होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, पानी के अंदर तैरते रहते हैं। फाइनली जब लास्ट में हम ग्लास को देखते हैं तो मिट्टी, अधिकांश जो मिट्टी होती है वो तल में जम जाती है, यानी मिट्टी जो है पूरे जल के अंदर समान मात्रा में वितरित नहीं होती और पानी को और मिट्टी को हम अलग अलग देख सकते हैं। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है जिसके घटकों को हम अलग अलग देख सकते हैं और जिसके घटक मिश्रण के पूरे भाग में समान मात्रा में वितरित यानी फैले हुए नहीं होते हैं, वो होता है विषमांगी मिश्रण। तो इन दोनों में आप लोगों को ध्यान रखना है, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिस मिश्रण के अंदर घटक सभी भागों में समान मात्रा में वितरित होते हैं और उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो तो होता है समांगी मिश्रण। और जिसके अंदर दो या दो से अधिक जो घटक होते हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं और जिन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं और मिश्रण के सारे जितना भी भाग है उसमें असमान रूप से वितरित होते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमने पढ़ा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हों और उन सभी कणों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। अगर उनमें कुछ कण ऐसे हों जिनके रासायनिक गुण बाकी से अन्य भिन्न हों या अलग हों तो उसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार या विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ की परिभाषा होती है कि वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और वो सारे के सारे रासायनिक गुण जिनके समान होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण जो होता है उसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। आज के लिए जो आपका होमवर्क है उसमें क्वेश्चन जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था, 3 अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं उसमें आपको जल की भौतिक अवस्था बतानी है। ध्यान रखना 0 सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है इस पर जो जल होता है वो ठोस के रूप में होता है, हमेशा ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होगा वो ठोस के रूप में होगा। उसके बाद सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है 100 सेल्सियस, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है इस पर जो जल है वो हमेशा द्रव से गैस में बदलता है, यानी इस टेम्परेचर पर क्या होगा, जल गैस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में होगा, 0 पर होगा ये ठोस अवस्था में। और थर्ड आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 जो डिग्री सेल्सियस है इस पर जो अगर हम बात करें जल की, अगर हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अभी गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 46-47 इससे आसपास होता है। नॉर्मल अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, और अगर सामान्य हम कमरे के ताप पर पानी को कटोरी में भर के रखते हैं तो वो किस अवस्था में पाया जाएगा, हमेशा वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस जब सर्दियों में तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 0 डिग्री तापमान हो जाता है, तब जो पानी है उसको अगर हम बाहर रखते हैं तो तापमान कम होने से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर वो किस में बदल जाएगा, बर्फ में। तो 0 डिग्री पर जो होता है सेल्सियस पर जो जल होता है वो ठोस के रूप में होता है, 100 पर ये हो जाता है गैस में बदल जाता है, और 25 पर ये किस में बदल जाएगा, ये द्रव अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको कारण बताना है जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है, क्योंकि कमरे का जो तापमान है वो जो जल के क्वथनांक से क्या होता है कम। अगर तापमान इतना है
अगर हम बात करें मिनिमम तापमान यानी कम से कम वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसका गलनांक कहलाता है, और मिनिमम वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है। तो यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किसमें बदल रहा है, गैस में। तो सामान्य जो कमरे का तापमान होता है वो कम होता है क्वथनांक की तुलना में, इसीलिए ये जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। लोहे की जो अलमारी है वो कमरे के ताप पे जो है ठोस अवस्था में होती है, जबकि जल किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। लोहा है उसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए यानी उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 5000 केल्विन से ज़्यादा होता है, और सामान्य कमरे का तापमान इतना नहीं होता, इसीलिए जो लोहा है वो ठोस अवस्था में होता है। अगर कमरे का तापमान लोहे के गलनांक के बराबर हो जाए तो जो लोहे की अलमारी है वो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो कमरे का तापमान है वो लोहे के गलनांक से बहुत कम होता है, इसीलिए जो लोहे की अलमारी है वो कमरे के सामान्य कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 273 केल्विन पर बर्फ और पानी दोनों को ठंडा करने पर बर्फ जो है वो अधिक शीतलता प्रदान करती है, इसका कारण अगर हम बात करें 273 केल्विन जो टेम्परेचर है इस पर बर्फ को ठंडा करें और इसी पर हम पानी को ठंडा करते हैं, तो ज़्यादा ठंडा किससे लगेगा, बर्फ से। इसका रीज़न ये होता है कि जो बर्फ के कण होते हैं वो जल के कणों की तुलना में इनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, और जब इन्हें इस तापमान पर ठंडा किया जाता है तो ये अपने चारों ओर की जो ऊर्जा है, उष्मा है, उसको अवशोषित करते हैं, और उसमें अवशोषण के कारण इनका तापमान और कम हो जाता है, इसीलिए बर्फ जो है वो अधिक शीतलता प्रदान करती है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें करना है, और मुझे जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करना है। थैंक यू।